नवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस विभाग ने नवाचार किया है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए महिला अधिकारियों की टीम दुर्गा वाहिनी के रूप में शहर में भ्रमण करेगी। इस कार्यक्रम को शनिवार शाम एसपी मनोज कुमार राय ने हरी झंडी दिखाकर शहर को सुरक्षा की नई सौगात प्रदान की। इस अवसर पर एसपी मनोज कुमार राय ने कहा कि नवरात्रि पर्व को लेकर प्रदेश के मुखिया भी चिंतित थे। इनके आदेश से पुलिस विभाग ने बच्चों और महिलाओं में सुरक्षित माहौल देने के लिए दुर्गा वाहिनी की टीम गठित की, जो शहर में जगह जगह नवरात्रि पर होने वाले कार्यक्रम गरबा पंडाल सहित शहर में भ्रमण कर जनता की सुरक्षा में तैनात रहेगी। रैली निकल आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट को लेकर निकल रही, क्या विषय? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि का त्यौहार 3 अक्टूबर से शुरू हो गया है और उसमें जगह जगह दुर्गा जी की प्रतिमाएं बैठी हैं, पंडाल लगे हुए हैं, साथ ही बहुत सारी जगहों पे गरबे के भी आयोजन हैं, जिसमें शहर के बहुत सारे महिलाएं, पुरुष अपने परिजनों के साथ, लोग बच्चों के साथ वहाँ पर जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा बहुत ही एक हम लोगों का प्राइम कंसर्न है। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पुलिस महानिदेशक महोदय ने ये सभी जिलों को निर्देश दिए थे कि दुर्गा वाहिनी के रूप में जो महिला पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जगह जगह पे लगाया जाए और साथ ही लोगों को इस तरह का एक माहौल दिया जाए जिसमें उनको सुरक्षा का भाव आए। इसी क्रम में आज खंडवा ज़िले में भी दुर्गा वाहिनी के जो हमारे टीम है उनको अलग अलग गाड़ियों में यहाँ से कंट्रोल रूम से रवाना किया जा रहा है और ये अगले 9 दिन लगातार दशहरे के दिन तक जितने यहाँ के शहर में दुर्गा जी के पंडाल हैं, मंदिर हैं और गरबा के जो मुख्य कार्यक्रम हैं वहाँ पर जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ आने वाले महिलाएं, बच्चे, बच्चियाँ सब सुरक्षित माहौल में वहाँ रहें और उनके साथ किसी तरह का कोई भी असामाजिक तत्व द्वारा कोई घटना ना हो, और उसको लेके ये पूरा आज यहाँ से आयोजन किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसको लेके खंडवा शहर में एक अच्छा मैसेज जाएगा और साथ ही परिजन बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ जाएंगे और अलग अलग पंडालों में गरबा स्थलों पर वो लोग अपना सहभागिता करेंगे। सर, किस तरह की टीम है, कौन लीड करेगा? यहाँ पर हमारे महिला पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं, 2 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। साथ ही अलग अलग 3 दुर्गा वाहिनी टीम गठित की गई है थानावार, और उनको हम लोगों ने 4-4 महिला कांस्टेबल दिया है और साथ ही उनके साथ कुछ पुरुष बल भी दिया है जो साथ में जाएंगे और प्रत्येक महत्वपूर्ण जगहों पे जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे, वहाँ के CCTV, वहाँ के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स और महिलाओं के, बच्चों के आने जाने के पृथक रास्ते हों, वहाँ किसी तरह का कोई हर्डल ना हो, इस बात को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।